बच्चों आप सभी का आज हम आपके लिए क्लास सिक्स के बच्चों के लिए आ, प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं डी का इंग्लिश का पेपर है ये और इसमें क्या क्या है जल्दी से इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि टाइम होगा आपका ढाई घंटे और जो मार्क्स होंगे आपके वो होंगे सिक्सटी आगे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि दो क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स फोर सेक्शंस होंगे इसमें एक रीडिंग होगा राइटिंग होगा ग्रामर होगा और लिटरेचर है अटैम क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट तो जित जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है हर पार्ट के लिए उसको आपको फॉलो करना है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन हर क्वेश्चन के आगे नंबर लिखे हुए हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही उसका आंसर दें आगे करते हैं इसमें है सेक्शन ए जो है वो एक रीडिंग का है पैसेज दिया हुआ है इसको आपको रीड करके और क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो जल्दी से पैसेज को हम रीड कर लेते हैं

तो हु ऑर्डर द ग्रैंड डिनर ग्रैंड डिनर जो है किसने ऑर्डर किया था तो सामने ही हमारे लिखा हुआ है जो महाराजा थे कहा तो अगला क्वेश्चन डिड द महाराजा एंटर महाराजा ने कहा एंटर किया था तो देखिए यहाँ पर सेकेंड uh, लाइन में हमारा लिखा हुआ है महाराजा एंटर द किचन तो किचन इसका आंसर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा ए और इसका क्या था हमारा सी आगे है थर्ड व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स हु सेड दिस ये किसने कहा था व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स किसने कहा था ये कहा था महाराजा ने आगे है फोर नंबर इसमें है व्हाट वाज कैप्ट इन द बास्केट बास्केट में क्या रखा हुआ था तो बास्केट में क्या था क्या था आपने पढ़ा है अभी स्क्रैप्स

सभी क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे तो फटाफट फड़ से रीड करते हैं पैसेज रैम्बो वाज अ लिटिल ग्रैशॉपर ही लव म्यूजिक एंड डांस ऑल द टाइम ही नेवर वर्क और प्लांट हिज फ्रेंड जॉली द आंट वाज अ हार्ड वर्कर शी वाज ऑलवेज बिजी व्हेन इट बिगन टू स्नो इन द विंटर ग्रैशॉपर हैड नो फूड टू ईट जॉली गिव हिम फूड टू ईट रैम्बो प्रोवास्ड टू वर्क फ्रॉम देन ऑन क्या है इसमें

तो जॉली कौन है एक आंट है जॉली ठीक है अगला क्या है वट है ग्रैश ऑपर इन दिंटर ग्रैशर को विंटर में क्या हुआ था तो ग्रे शॉपर को क्या हुआ था He had no food to eat. उसके पास खाना नहीं था खाने के लिए एंड हु ग्रैश ऑपर ग्रैश ऑपर की मदद किसने की थी तो किसने करी थी जॉली द आंट जॉली जो थी उसने ग्रैश की जो है मदद की थी आगे है हमारा

या आप ये वाली एप्लीकेशन लिखें या ये वाली तो दूसरी कौन सी है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर फॉर थ्री डेज लीव टू अटेंड अ रिलेटिव वेडिंग आपको किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है तो आपको तीन दिन की छुट्टी चाहिए तो ये दोनों एप्लीकेशन में से कोई भी आप एक कर सकते हो और ये है नंबर है इसके छः ठीक है तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे देखिए कैसे लिखेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दो दिन की छुट्टी के लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी है तो पहले क्या लिखेंगे टू द प्रिंसिपल आपके स्कूल का नाम जहाँ भी आप रहते हैं जो भी आपके एड्रेस है स्कूल का न्यू दिल्ली और सर रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्सथ जो भी आपके क्लास है और सेक्शन है आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर की मुझे कल से जो है since yesterday, कल से फीवर आया हुआ है और माई डॉक्टर मेरे डॉक्टर ने एडवाइस दी है मैं रेस्ट फॉर टू डेज दो दिन की लिए रेस्ट करने के लिए सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल इसलिए मैं स्कूल जो है अटेंड नहीं कर सकता काइंडली ग्रेंट में लीव फ्रॉम एक तारीख और दो तारीख की मुझे छुट्टी चाहिए आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू मैं आपका बहुत आभारी होंगे थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली जो भी आपका नाम है क्लास है सेक्शन है और जिस दिन आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर यह हमारी जो है पूरी हो गई एक और एप्लीकेशन है वो भी देखते हैं इन दोनों में चॉइस है आप क्या है तो वो कर सकते हैं दोनों में एग्जाम में लेकिन आप याद दोनों कर लेना क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पता की कौन सी एप्लीकेशन आने वाली है तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर फॉर थ्री डेज लीव टू अटेंड अ रिलेटिव आपको तीन दिन की छुट्टी चाहिए अपने रिलेटिव की शादी में जाने के लिए तो क्या लिखेंगे टू द बॉय प्रिंसिपल वो ही सब जो आपके स्कूल का एड्रेस है जहाँ पर भी आपका स्कूल है नई दिल्ली रिस्पेक्टेड मैम यस सर आई वॉन्ट टू से दैट यू दैट आई एम गोइंग टू माई ब्रदर्स मैरिज कि मैं अपने भाई की शादी में जा रहा हूँ विच इज़ फार अवे फ्रॉम माई हाउस जो मेरे घर से दूर है सो काइंडली ग्रांट मी तो इसलिए आप मुझे तीन दिन की छुट्टी दें एक दस से तीन दस तक डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं योर सबिडियंटली जो भी आपका नाम है जो भी आपकी क्लास है और जो भी आपका सेक्शन है ए बी सी जो भी आपका सेक्शन है वो लिख देंगे ठीक है तो ये हमारी हो गई एप्लीकेशन थ्री डेज की जिसमें आपको शादी में जाना है आगे देखते हैं

The name of my school is जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं There is a garden in front of my school मेरे स्कूल के सामने जो है गार्डन है There is a playground and just before it और वहाँ पर खेलने का मैदान भी है It is an open space for games and sports and a lot of fun वहाँ पर बहुत मजा आता है खेलने वेलने के लिए वहाँ पर स्पेस है वी प्ले ऑन द प्ले ग्राउंड वैन वी गेट टाइम फॉर दैट जब भी हमें समय मिलता है हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं देर आर ट्वेंटी टू क्लास रूम्स हैं उसमें लाइब्रेरी है लैब है टीचर्स का रूम है हेड मास्टर का रूम है स्कूल में अवर रिस्पेक्टेड हेड मास्टर जो भी आपके अगर प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर दे आर आर अबाउट नाइन हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं वो लिख सकते हैं एंड अबाउट थर्टी फाइव टीचर्स इन अवर स्कूल द टीचर्स आर वेरी गुड एंड लविंग I am very proud of our school, कि मैं बहुत जो है है मुझे गर्व है अपनी स्कूल पर तो इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है अपने स्कूल के ऊपर तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अगला इन्होंने कहा था फेस्टिवल पर लिखने के लिए तो हमने आपके लिए लिख दिया है फेस्टिवल पर तो ये हमारा हमने लिखा है दिवाली पर इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन ये सब इन्होंने हिंट दिया हुआ था इनकी मदद से आप इसको लिख सकते हैं तो दिवाली इज़ अ हिंदू फेस्टिवल दिवाली इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ़ लाइट कहा जाता है इसमें विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एवल बुराई पर अच्छाई की जीत राम रिटर्न होम दिस डे वापस आए थे घर ही दे दे उन उन्होंने जो है रावण को मार दिया था पीपल फॉर पी रिटर्न लोग खुश हुए थे उनकी वापस आने पे सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग पर हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं ठीक है वीट बर्स तो, एवल, तो ये हमारा हो गया अब जो फेस्टिवल पर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया ठीक है तो इस तरह से आपको दोनों में से कोई एक करना है लेकिन आप दोनों याद करेंगे तो ये होगा कि जो भी एग्जाम में आएगा तो वो आप अच्छे से लिख पाएंगे आगे क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हमारे ये जो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए सेक्शन बी राइटिंग के एप्लीकेशन भी लिख ली हमने दो और जो है फेस्टिवल्स का भी देख लिया आगे आता है सेक्शन सी ये जो है ग्रामर पार्ट है इसमें देखते हैं एमसीक्यू पार्ट है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें और एक एक नंबर के जो है आपको चार क्वेश्चन मिले हैं और ये एक एक नंबर के हैं सारे ठीक है तो इसमें क्या है प्लूरल ऑफ नाइफ सबसे पहले पूछा है कि आपने पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल सो सिंगुलर क्या होता है जो एक चीज होती है प्लूरल होता है बहुत सारी तो so, नाइफ uh, का प्लूरल क्या हो जाएगा नाइफ nice. तो so, इसका सी जो है हमारा सही हो जाएगा अगला है अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल बहुत आसान है ब्यूटीफुल का क्या होता है तो ब्यूटीफुल का होता है हमारा अगली तो इसका जो है सेकंड का क्या करेक्ट हो जाएगा बी आगे है द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल तो फ्रॉग ने किसमें जम्प किस कर रहा है कुएं में तो इन टू द वेल तो थर्ड का हो गया ए नेक्स्ट है डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ राइट तो राइट right के जैसा बोलने में कौन सा वर्ड है तो देखिए राइट right के जैसा कौन सा वर्ड है हाइट राइट हाइट ठीक है तो इसलिए ये राइमिंग वर्ड है आगे है एंड एंड सोनल सोनल डैश गोइंग गोइंग फॉर फॉर अ अ वॉक वॉक आर दो लोग हैं इसलिए हमने लगा दिया पे आर ठीक है आगे है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द द बॉक्स एंड फिल इन ब्लैंक्स एनी फोर कोई भी चार करने हैं हम आपके लिए पांचों करेंगे और ये एक एक नंबर के हैं ये सारे ये जो दिए हुए हैं ये एक एक नंबर के हैं तो आपको चार क्वेश्चंस करने चार करने हैं कोई भी और ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं पांच कि आपको कौन सा इसमें वर्ड आएगा तो आ, सबसे पहले चिल्ड्रन आर फॉन चिल्ड्रन आर फॉन्न ऑफ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सबसे पहले ऑफ तो ऑफ नंबर हो गया हमारा एक बार फिर से करते हैं इसको नंबर डाल देते हैं हम आपके लिए तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा ऑफ तो ऑफ पे हमारा वन नंबर वन तो यहाँ पर हमारा हमने लिख दिया ऑफ आई लाइक टू तो स्पेंड टाइम किसके साथ समय बिताना पसंद है हमें अपनी फैमिली के साथ तो विद सेकेंड में आ गया हमारा विद आगे है आई लीव माई बेड आई लीव माई बेड मैं अपना बेड कितने बजे छोड़ता हूँ एट तो ये हमारा हो गया थर्ड नंबर यहाँ पर आ हाँ गया हमारा एट माई फादर वर्क वर्क फ्रॉम होम आपने बहुत बार सुना होगा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा फोर नंबर तो यहाँ पे आ गया हमारा फ्रॉम और आई ही लिव्स इन आगरा तो यहाँ पे आ गया हमारा इन तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें आप तो गिव सिंगुलर ऑफ इनका सिंगुलर बताना है किसी भी तीन का और ये एक एक नंबर के हैं ये भी तीन नंबर का तो बेबीज का क्या होगा सबसे पहले बेबी ठीक है आगे है चिल्ड्रन चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा चाइल्ड तो सी एच आई एल डी चाइल्ड मैंगोज का क्या हो जाएगा मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो और टेबल्स का क्या हो जाएगा इसमें से एस हट जाएगा और हो जाएगा टी ए बी एल ई ठीक है तो ये हो गया टेबल और इसमें से ठीक है कोई आपको तीन करने थे आगे है क्वेश्चन नंबर एट इसे इसमें हमारा फलिंदा ब्लैंक्स है और इसमें आपको इज द हैज लिखने हैं ब्लैंक्स में और ये भी आपका तीन नंबर का है और तीन करने हैं आपको ठीक है तो इसमें देखते हैं इसमें आपको बढ़ना है इज द हैव और हैज ठीक है तो ये दिया हुआ है यहाँ पर देखो ये इसमें आपको यहाँ भरना था इज द हैव या हैज भरना है आपको इसमें ठीक तो सबसे पहले है डैश बैगर आस्क्ड फॉर मनी तो पहले में क्या आ जाएगा द बैगर आस्क्ड फॉर मनी आगे है शी ईटिंग द केक इसमें क्या आ जाएगा she is eating the cake. आगे है they gone for picnic. तो थर्ड नंबर ये, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट आगे है नाइन नंबर क्वेश्चन इसमें क्या करना है आपको ये लिटरेचर का है

डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वो इन फ्रीडम ठीक है तो पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया योग्य हमारा फर्स्ट का आंसर आगे उन्होंने पूछा है अगला क्वेश्चन वट वॉज द डॉग सिक एंड टायर्ड ऑफ तो डॉग किससे सिक हो गया था तो द डॉग वॉज सिख ही की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे ही की जगह लिख देंगे द डॉग आगे क्या आप लिखेंगे द डॉग लिख करके the dog was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he to yahan tak aa jayega iska theek hai ye ho gaya hamara second number ye ho ye ho gaya hamara second number ka ye wala answer ho gaya second line se aur last line tak theek hai to ये एक बार फिर से आपके लिए लगा देते हैं one number होगा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक number है answer और यहाँ से और यहाँ तक है हमारा दो नंबर का आंसर विच अदर एनिमल इज द पैसेज इसमें दूसरा कौन सा एनिमल मैंशन किया गया है तो देखिए लिखा हुआ है ना तो वुल्फ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ठीक है तो इसका आंसर है द अदर एनिमल अदर एनिमल मैं यहाँ से लिखेंगे ऐसे अदर एनिमल इज नहीं आएगा द अदर एनिमल द पैसेज क्या है इज वो इज लगा के और इज वोल्फ अदर एनिमल इन पैसेज इज ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन अगला है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द दैट फॉलो इसमें आपको कोई दो करने हैं और ये दो दो नंबर के हैं आपके तो चार नंबर का हो गया इस तरह से तो वट इज होम इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर इट्स ब्रदर एंड सिस्टर फादर एंड मदर इट इज अनसेल्फिश एंड काइंडली शेयरिंग ये एन सी क्यू है बहुत आसान है ये आपका और आपकी बुक से ही है तो ए होम इज मेड ऑफ सबसे पहले उन्होंने पूछा है घर कैसे बनता है हमारा लविंग फैमिली मेम्बर्स से पहला हमारा बी करेक्ट हो गया पीपल इन द फैमिली जो घर के लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लव ईच अदर और अगला अगला है द अपोजिट ऑफ अनसेल्फिश अनसेल्फिश का अपोजिट क्या होगा उल्टा क्या होगा अपोजिट होगा सेल्फिश ठीक है आगे है क्वेश्चन नंबर इलेवन लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए पांच इनमें से कोई आपको चार करने हैं तीस से चालीस शब्दों में करने हैं और आपका एक जो है ये तीन नंबर का है कोई चार करने हैं और एक एक में अगर आपको तीन तीन नंबर मिलेंगे तो इस तरह से ये बारह नंबर का है तो देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स के तो देखिए ये हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर तो किस लिए डॉग को फील हुआ था अपने मास्टर के लिए द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ अदर्स स्ट्रांगर देन हिम एंड वॉज ऑल्सो टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग एंड लुकिंग अराउंड फॉर फूड अभी हमने ये अभी पढ़ा है इससे ऊपर ही जो पैसेज था पोयम था उसमें ये लिखा हुआ था तो ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करनी है फर्स्ट हो गया अगला है डॉग फाइनली चूज एज इज मास्टर मैन क्योंकि डरता है मैन से एंड द डॉग वॉन्टेड समॉग को क्या चाहिए था वॉन्गर दैन एनी वन ऑन द अर्थ जो कि कोई भी जो जमी धरती पर है उससे जो है स्ट्रोंगर हो उसे वो अपना जो है मास्टर बनाना चाहता था

सेल्फलेसली जहां पर परिवार के लोग सेल्फलेसली रहते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर वाई फैमिली प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन अ होम क्यों फैमिली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक घर में होम बिकम्स अम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अच्छ फादर मदर ब्रदर और सिस्टर होते हैं इसमें

वो हमेशा हमारी केयर करते हैं और इफ़ देयर विल बी नो फैमिली अगर कोई फैमिली नहीं होगी देन देयर विल बी नो नॉट बी एनी होम तो वो घर भी नहीं होगा आगे इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द पोयम विच इज़ व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द काइट एंड द शिप में सिमिलैरिटी पूछी है क्या एक जैसे क्या चीज़ें हैं जो काइट और शिप की एक जैसी हैं तो द काइट अपीयर्स टू बी सिमिलर एज अ शिप विद अ सेल एज ए डिप्स डाइज एंड सोर्स ऑफ हाई द मोमेंट ऑफ द काइट इन द स्काई एंड द शेप इन द सी बीयर सिम्बलर रिजाम्बलेंस वो एक जैसी दिखती हैं काइट और जो है शेप ठीक है तो ये बहुत ही आसान आंसर्स हैं ये आपकी बुक के ही हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं तो यहाँ पर हमारी जो है इलेवन क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं अपने और ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट तो ये हमारा इंग्लिश का पेपर हमने पूरा कर लिया तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और अगर आपको इसी तरह से और सैम्पल पेपर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको और किस सब्जेक्ट का जो है पेपर्स चाहिए हमारी टीम लगातार आपके लिए काम करे जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक हम आपके लिए डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस पेपर्स लेकर के आते रहेंगे आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपको एक काम करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद